चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने दिए 1.40 करोड़। जाने अमेठी में कितना किया खर्च। कांग्रेस ने वायनाड और रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी को प्रति सीट 70-70 लाख रुपए दिए थे। पार्टी ने चुनाव आयोग को जानकारी दी है। कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों को कुल 145.5 करोड़ रुपए दिए हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ अभियान के लिए विक्रमादित्य सिंह को 87 लाख रुपए दिए गए थे। हालांकि विक्रमादित्य सिंह चुनाव नहीं जीत पाए। हाल ही में कांग्रेस के निर्वाचन आयोग के समक्ष चुनाव व्यय विवरण साझा किया। इसके अनुसार कांग्रेस पार्टी ने 24 लोकसभा उम्मीदवारों को 107 करोड़ रुपए दिए। अरुणाचल में अपने विधानसभा चुनाव उम्मीदवारों को 38 लाख रुपए और तमिलनाडु में एक उम्मीदवार को 5 लाख रुपए दिए थे। वहीं अमेठी लोकसभा सीट पर गांधी परिवार ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा को अपने अभियान के लिए पार्टी से 70 लाख रुपए मिले। यह रकम राहुल गांधी को दी गई रकम के बराबर है। शर्मा ने मौजूदा सांसद और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हराकर लोकसभा चुनाव जीता। बता दें कि भाजपा का अशंकालिक चुनाव व्यय विवरण अभी तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। अन्य दलों ने कितना किया खर्च। करीब 2 दर्जन राजनीतिक दलों ने 2024 और 3 राज्य विधानसभाओं के लिए आंशिक चुनाव व्यय विवरण दाखिल किया है। 7 दलों ने पहले ही अपना पूरा व्यय विवरण प्रस्तुत कर दिया है। इसमें YSR कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। इसमें लोकसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपना कुल चुनाव व्यय 328.4 करोड़ रुपए घोषित किया है। YSR कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में केवल 11 विधानसभा सीटों और 4 लोकसभा सीटों पर ही जीत मिली। डिंपल यादव को मिले 72 करोड़, अखिलेश को 60 लाख। बीजू जनता दल BJD ने लोकसभा और ओडिशा विधानसभा चुनावों में अपने उम्मीदवारों को 54.6 करोड़ रुपए का भुगतान किया। तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को 36 करोड़ रुपए, RJD ने 8.7 करोड़, JDS ने 2.2 करोड़ रुपए और LGP ने 1.1 करोड़ रुपए का फंड दिया। समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को कुल 4.9 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जिसमें से सबसे अधिक 72.1 करोड़ रुपए डिंपल यादव को मिले। उसके बाद अखिलेश यादव को 60 लाख रुपए और उनके चचेरे भाई अक्षय यादव और धर्मेंद्र यादव को क्रमशः 25 लाख और 20 लाख रुपए मिले। CPIM ने अपने उम्मीदवारों को 11.8 करोड़ रुपए और CPI ने अपने उम्मीदवारों को 1.3 करोड़ रुपए दिए।